हाई फ्रेंड्स व्हाट्सअप सो ऑल मे ट्वेंटी टू एंड ऑनवर्स नोवर ट्वेंटी टू एंड ऑनवर्स गाइज आपके लिए अनाउंसमेंट आया इंस्टीट्यूट का सो so एक क्ली आप आ जाइए एक बार मैं आपको बता दूँ क्या हुआ अनाउंसमेंट आया दैट्स अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डिट के बिकॉज आई टी सी ए फाइनल लॉ एंड ऑर्डिट एंड इंटर ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डिट अभी हम बात करें फाइनल के लिए अच्छा ओल्ड सिलेबस खत्म हो चुका है तो अभी जो अनाउंसमेंट है वो स्पेसिफिकली न्यू सिलेबस के लिए तो आई एम ऑन आई सी आई साइट अभी दो दिन पहले अनाउंसमेंट आया ये सो इफ यू सी अनाउंसमेंट्स तो स्टूडेंट्स में जाके हम जाएंगे अनाउंसमेंट्स में अनाउंसमेंट में हम जाएंगे सीधा फाइनल कोर्स में फाइनल कोर्स में 24 दिसंबर को एक अनाउंसमेंट आया है दैट्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स गाइडेंस नोट्स गाइडेंस नोट्स लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स एक्सेक्टर फॉर मे ट्वेंटी एग्जामिनेशन इंटीट ने पहले ही दे दिया ये किसके लिए है फाइनल न्यू कोर्स वालों के लिए तो एक बार देख लेते दे क्या क्या चीजें आई है तो कुछ क्लैरिफिकेशन है ये एफ के लिए है वो आप आपके एफ के सर से पढ़ सकते हो बिकॉज आई विल बी अ रॉन्ग पर्सन टू कमेंट ऑन दैट हम बात करेंगे अभी ऑडिट एंड लॉ के पहले ऑडिट एंड लॉ के ठीक है अच्छा इको लॉक आपको मैं बता दो ऑलरेडी पीपल पीपल वुल भी अपेयरिंग फॉर सिक्स डी इको लॉ में सरफेजी ऐड हो गया है अच्छा मॉड्यूल uh, में कुछ ऊपर नीचे हुआ है वो मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा इको लॉक के लिए क्योंकि वो एकदम अलग ही सब्जेक्ट है अभी अपन ग्रुप वन की बात करें खाली लॉ एंड ऑडिट की सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑडिट सो मोटा माटी तो सिलेबस सेम ही है पूरा हमारा अच्छा स्टैंडर्ड जो, जो है वो ये पूरे सेम है कोई चेंज नहीं है एस क्यू सी वाला में है दो सौ की पूरी सीरीज एप्लीकेबल ठीक है देन तीन सौ तीन सौ पंद्रह तीन सौ बीस तीन सौ तीस पूरे एप्लीकेबल चार सौ में दो ही होते हैं एप्लीकेबल पाँच सौ में ग्यारह है पूरे 600, पूरा एप्लीकेबल छः सौ पूरा सात सौ पूरा सात सौ दस सात सौ बीस तक दस सौ बीस तक ठीक है तो इसमें कोई चेंज नहीं है जो जिसने डिसम्बर ट्वेंटी वन के लिए पढ़ा था या पुरानी क्लासेस करके कोई चेंज नहीं सेम है गाइड ने फोटी फोर ए बी टैक्स वर्ड का जो आप लोग पढ़ते हो वो सेम चीज़ है बैंक वाला गाइडेंस नोट और आई वाला गाइडेंस तो आई सी एफर की बात है थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए ये गाइडेंस नोट है पूरा डेप में नहीं पढ़ा चलेगा ऊपर ऊपर सब चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए अच्छा फिर वो बोलता है कि भैया मे का जो कट ऑफ होता है वो इकतीस अक्टूबर है इकतीस अक्टूबर तक की जो भी अमेंडमेंट्स है जो भी अम्डमेंट्स है वो अलग से हम लेकर आएंगे जो कवर नहीं है कहेंगे वो आरटीपी में आएगी सो लेट्स वेट फॉर दी आरटीपी टी में पूरी क्लरिफिकेशन आ जाएगी भैया कौन से स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है आई एज सच कुछ ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है क्योंकि कोविड तो कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है तो ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें अच्छा कारो वेरी इंपॉर्टेंट वहां पर लोगों को बहुत टेंशन हो रही थी कारो कौन सा एप्लीकेबल है क्लियर कर दिया इंस्टीट्यूट ने अभी कारो 2020 एप्लीकेबल है फॉर मे 22 टू एग्जाम्स एंड देन फिर ऑनवर्ड्स आल्सो फॉर नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी मे ट्वेंटी थ्री आपको भी कारो 2020 ट्वेंटी आएगा ये क्लियर कर दिया अभी तक का अनाउंसमेंट ये है मैं चौबीस पच्चीस डिसंब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करूँ इंस्टिट न बोले कारो ट्वेंटी एप्लीकेबल है आपको मे बाईस के एग्जाम के लिए अगर बाय चांस कुछ इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं कुछ चेंजेस और होते हैं मतलब अमेंडमेंट भी अमेंडमेंट आपको अलग से बता दिया जाएगा सर so, कॉलर 2020 ट्वेंटी टेंशन मत लीजिए मैं एक दो दिन में यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा उसका कार्वेंटी 2020 का वो रिकॉर्ड हो गया देख लीजिएगा उसको अच्छा पीयर रिव्यू में क्या चेंज है पीयर रिव्यू में रिवाइज स्टेटमेंट पीयर रिव्यू इसका भी अलग से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी आ जाएगा हफ्ते दस दिन के अंदर फॉर्म एट्वेंटी टू तो जो डिसंबर ट्वेंटी का पीयर रिव्यू था उसके बाद भी थोड़ा बहुत डेज में जो चेंज हो गया कॉन्सेप्ट द सेम भाई कॉन्सेप्ट द सेम कॉन्सेप्ट द सेम बट थोड़ा बहुत ऐड हो गया कुछ डेज में कुछ ऊपर नीचे हुए बाकी कुछ नहीं है तो ये आपको मिलेगा अच्छा कोड ऑफ एथिक्स वो ऑलरेडी जो डिसंबर ट्वेंटी मतलब था जुलाई ट्वेंटी उसी में अपडेट हो गया था वो एप्लीकेबल अपने को तो इसमें कोई टेंशन नहीं है तो जो इंपैक्ट कर रहा है खाली नया कारो ट्वेंटी और पीयर रिव्यू का स्टेटमेंट फिर स्केडल थ्री की जो चेंज आप एफ में पढ़ोगे ऑलरेडी वो आपको मई ट्वेंटी टू में आई जैसे इस बार डिसंबर के एग्जाम में न्यू सिलेबस में चार मार्क आना स्केड्यूल थ्री में आ गया था वो नोट्स से रिलेटेड पर वो लॉजिकल था लिख सकते हो आप लोग उसको एफ में पढ़ते हो आई वुड से कि इट इज़ नॉट इम्पैक्ट माई इंपैक्टिंग एनी ऑफ माई स्टडी कोर्स या फिर मेरा जो तैयारी उसमें कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा है ठीक है शरीदी की बात है एफ आर में अच्छे से कर ले तो खाली दो चीजें है जहां पर ध्यान रखना है कलो ट्वेंटी ट्वेंटी और रिवाइज स्टेटमेंट प्ययर रिव्यू वो यूबू पर आ जाएगा अच्छा, अच्छा एक्सक्लूशन क्या हो गया सर एक्सक्लूशन में जीएसटी और पूरी हटा दी गई है तो ध्यान रखना जब आप फिस्कल लॉस पढ़ेंगे तो सेक्शन वन मतलब जो पार्ट वन है आपका वो टैक्स ऑडिट का है पार्ट टू है वो जीएसटी जीएसटी और का कुछ भी नहीं पढ़ना है ये इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है जीएसटी ऑडिट नॉट टू बी स्टडीड नॉट टू बी स्टडीड फिर आठ सौ के पहले एक्सक्लूस फुल टाइम पास करते हैं अभी मतलब आधे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि आठ सौ की सीरीज होती है ये सब नहीं है ये सब नहीं है सब हट गया है ऐसा ही ऐसा ऐसी जैसे बढ़ गया सब बढ़ गया ये सारे एक्सक्लूड हो चुके हैं पुराना वाला कौड़ा वैतिक सट गया अच्छा एक सेकेंड पुराना वाला कड़ा बैतिक सट गया वो तो हट गया ना अरे नया वाला ना सर हमने यहाँ पर नया वाला पढ़ा सर हमने यहाँ पर नया वाला है ना हमको अब वो आधे वादे चार सोड़ा बैतिक सड़ गया हट गया अरे नहीं भाई पुराना वाला हट गया वो हट गया था ना पहले कभी तो नया वाला रिप्लेस हुआ ना फिर ये सारे फालतू से गार्डन छूटे ये सब हमको नहीं है ये सब भी हमको नहीं है खत्म सो यहाँ से क्या सीखने को मिला बड़ा दो ही चीज़ है जो मार्केट में हवा बना लग रहा है भैया नहीं है नहीं है नहीं है कारो ट्वेंटी ट्वेंटी और पीयर रिव्यू में थोड़ा बहुत डेज वेज में ऊपर नीचे हुआ बाकी कुछ नहीं है कारो ट्वेंटी ट्वेंटी अब कारो ट्वेंटी ट्वेंटी में बेसिक तो सेम रहेगा ना कारो का एप्लीकेबल नॉन एप्लीकेबल वो तो सेम ही है लिमिट भी सेम है खाली जो पॉइंट्स है ना वो इक्कीस पॉइंट हो गए पहले सोलह बढ़ते थे अपन तो पाट नहीं आए दो तीन ऊपर नीचे चेंज हो गया बस वो वही है बाकी कुछ नहीं क्लियर इतना ऑडिट खत्म यही चेंजेस है अच्छा अब बात करते हैं अपन लॉ की सो अगेन लॉ के लिए भी कट ऑफ आपका इकतीस अक्टूबर है इकतीस अक्टूबर तक की जो कि अमेंडमेंट्स है कि वो आपको आरटीपी में दिख जाएगी वो अपने को मे ट्वेंटी टू में एप्लीकेबल होगी वो अपने को मे ट्वेंटी टू में एप्लीकेबल आर टी पे आ, आ जाएगा आपको यूट्यू पे आ जाएगा सारी अमेंडमेंट्स मेजर चेंजेस नहीं है लॉ में कॉर्पोरेट लॉ में मेजर चेंजेस नहीं क्योंकि पेनल्टी वाली बात ऑलरेडी आ गई थी बीच में अभी कोविड चल रहा था तो कोविड की वजह से कुछ भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं किया सरकार ने तो विच विल इम्पैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ एंड इफ इट इज इम्पैक्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ इट इज अफेक्टिंग एकेडमिकस कुछ नहीं है ऐसा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा बाकी जो कंटेंट आपने पहले पढ़ रखा है रख महीने आठ महीने पहले एक साल पहले अपने ट्यूशन कर रखे विद रिगार्ड्स टू डिसंबर ट्वेंटी अटैम या नवंबर ट्वेंटी वन के लगे मैं बोलूँ तो वही सेम क्लास से लेके अभी कोई टेंशन नहीं है बाकी ये सदियों से यही चल रहा है कि ये ये सेक्शन एक्सक्लूडेड है ठीक है ये ये सेक्शन एक्सक्लूडेड पहले से ही चल रहा है सब ये सब एक्सक्लूडेड है आपके सर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा जिससे भी आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ाया होगा ठीक है अच्छा फिर जो अपने स्टडी मॉडल कौन सा आप अक्टूबर ट्वेंटी वन एडिशन अक्टूबर ट्वेंटी वन एडिशन है वही अपले आपको मई ट्वेंटी टू के लिए फिर सैकरा आपको पता हट गया था एंटायर चैप्टर एक्सक्लूडेड सैक्रा इज हट गया ठीक है सेबी वो सेम है जितना स्टडी मटेरियल में से भी एलओडी आ रहे है वो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है उतना ही क्लियरली बोल रहा इश टू द एक्सटेंड कवर्ड इन द स्टडी मटेरियल शैल ओली भी अपलीकेब एग्जाम आप बच्चों में बहुत चर्बी होते बहुत छूट होता है अब क्या है वो डमी वाले फ्री बैठे होते हैं सर हमको तो बेहर है पढ़ने का बैर है बैर सभी बैर करेंगे सब बैर सारा बी एस सी सभी की साइड पर जाके वहां से पूरा डाउनलोड कर पूरा पढ़ के क्या करोगे आई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई तुमको पूरा बैर एप्लीकेबल नहीं है मैं बता रहा हूँ तो वो कितना वो करना तो नहीं नहीं हम लोग को बैर पढ़ने का आप लोग ये भी पढ़ लेते क्लियरली बोलेट इज एक्सक्लूडेड ये सारे सेक्शन नहीं पढ़ने आपके सर ने नहीं पढ़ा है क्योंकि पहले से एक्सक्लूडेड है ये नया एक्सक्लूशन नहीं आया मॉडल में नया चेंज नहीं चें पहले से नहीं है पहले से नहीं है ठीक है फेमा भी जितना आपके सर ने पढ़ा उतना ही करना है कुछ भी चेंज नहीं है फेमा वो ही में वही देखो मेन चीज वही है परमिसेबल करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट की बात है इंपोर्ट की बात है ओडीआई और ईसीबी जो बीच में अमेंड हुए थे वो आया था इंपोर्ट आया था ओडीआई आया था और ईसीबी आया था ये तीन आया थे तीन पहले भी पढ़ते थे हम लोग करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट और एक्सपोर्ट और ये, ये ये तीन पुराने होते थे और फिर तीन नए ऐड हो गए थे तो वो जुलाई ट्वेंटी वन में ऑलरेडी ऐड हो गए थे तो तो ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है फिर सर्फेस आपको पता है हट गया यहाँ पर अब सर्फेस यहाँ हट गया है पेपर नंबर फोर से हट गया पेपर नंबर सिक्स में डाल दिया उसको सिक्स में डाल दिया और सिक्स में थोड़ा स्कोप भी ज्यादा है यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू करते थे यहाँ पर ज़्यादा स्कोप है अच्छा मॉडल अपडेट होगी इकोलॉ की मैंने आपको अभी बताया तो मैं उसको नया वीडियो लेकर आऊंगा यूट्यूब पे जहां पर अपन सर्फेसी भी करेंगे और जहां पर सिक्स जी में क्या चेंज है वो भी आपको बताऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग जितना मॉड्यूल में वही पढ़ने के अपने को ठीक है एफसीआर जितना मॉड्यूल में वही अपडेटेड है पूरा टू द एक्सटेंट कवर्ड इन द स्टडी मटेरियल बस उतना ही पढ़ने के अपने को फिर आर्बिट्रेशन में उतना ही पढ़ने जितना मॉड्यूल में है आई बी सी में जितना मॉड्यूल में वोइ वही प्रोविजन फ्रॉम सिक्सटी आर एक्सक्लूडेड वन टू फिफ्टी नाइन पहले भी उतना ही था तो कोई ऐसा चेंज नहीं है प्रोविजन अप टू फिफ्टी नाइन बस रूल्स रिलेटेड टू इंसॉलमेंसी बैंक सिक्योर रेलेवेंट तो एक् 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 इन स्टडी में जितना स्टडी मतलब उतना दे देखने को बस खत्म खत्म फिर अक्टूबर 21 एडिशनल स्टडी मटेरियल्स रिलवेंट फॉर मे 22 बस खत्म हो गया बाकी जो अमेंडमेंट आएगी मई से लेकर इकतीस अक्टूबर तक की वो अलग से इंश्योर कहाँ बताएगा अपने को आर टीपी में बता देगा वो अपन वहां कर लेंगे तो ऐसा ज़्यादा चेंज है नहीं पेनल्टी चेंज हुई थी जो ऑलरेडी डिसंबर में हुई थी वो आपके लिए कैरी फॉरवर्ड होती है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे फिर से इंश्योर ने ज्यादा पूछा नहीं अभी मतलब एक दो पूछा वापस से आ सकती है अपने को इतना ही चेंज है इतना ही चेंज है सो एज़ सच ओली कारो ट्वेंटी एंड पियर रिव्यू का जो स्टेटमेंट चेंज हुआ है रिवाइज हुआ है उसमें जो डेज ऊपर नीचे हो गए खाली वो पढ़ना है बाकी जो इक्का दुक्का जो अमेंडमेंट है कि आई थिंक मोटा मोटे कर आएगी भी छोटी वोट आएगी वो आएगी आधा पौने घंटे की वो यूट्यूब पे आपको कवर कर दिया जाएगा जब आर टी पी आउट सो इतना पैनिक होने का जरूरत नहीं है मार्केट में जो बाबा लोग घूम रहे हैं अरे बहुत अमेंडमेंट है मॉड्यूल अपडेटेड है आप हमारा नया बुक लीजिए नया बुक रिविजन करेंगे अपडेटेड बुक पढ़िए अरे कुछ नहीं सेम है यार छोटा बहुत अमेंडमेंट आएगा वो हाथ से लिखने या चिपका ना छिट्टी विट्टी आरटीपी में आएगा ही ना क्यों पैसा बर्बाद करो फालतू में बाबा लोग का भी दुकान खुल, शटर खुलना शुरू अभी बंद है शटर अभी क्योंकि रिजल्ट आए नहीं है जैसे रिजल्ट आने आ जाएगा आसपास होगा सबका शटर खोलेंगे कुछ नहीं है क्लियर किया ना इंस्टीट्यूट ने आई से मटन को पढ़ के चलो बहुत है भैया ढंग से करेंगे उसको अच्छे से करेंगे अपन है सो पूरा समराइज कर दे तो आपको लॉ में नो चेंज मॉड्यूल में से सेकलर सर्विस हटा दिया गया है मतलब वो था वो हटा दिया गया अक्टूबर ट्वेंटी का जो एडिशन अपडेट आएगा आपको स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो लॉ में छोटे थो, थोड़ी बहुत हुई है वो अपने को बता दिया जाएगा आरटीपी के तो जितनी आर टी पी में प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स होती है पर आर में इंश्यूट जो अकेडमिकली है वो ही अपने को अपलीकल करवाता है तो वनस आरटीपी इज आउट लॉ के अमेडमेंट तेरह हो जाएगी ऑडिट में जीएसटी ऑडिट नहीं पढ़ना है कारो सिक्सटी नहीं पढ़ना उसके जब कार्वेंटी ट्वेंटी आ गया कोड ऑफ एथिक्स लोग वैसे भी नया ही पढ़ते थे क्योंकि Clauses में तो कोई चेंज नहीं है ना वो तो बेसिक सेम है अच्छा और पीयर रिव्यू का एक नया स्टेटमेंट में जो ऊपर उप, अपडेज वो पढ़ने बाकी द सेम सो कालो ट्वेंटी ट्वेंटी का एंड पीयर रिव्यू का वीडियो YouTube पर आ जाएगा आप टेंशन मत लीजिएगा है शो सम लव डू लाइक द वीडियो कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप ट्रेक भेजो लोगों को बताओ कि भैया पैसा बर्बाद मत करो बचा के रखो ओमनीकरण आ रहा है घर पे फिर लॉकडाउन लग जाएगा अगर लग गया तो तकलीफ हो जाएगी एंड डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे होम स्टे सेफ एंड नॉर्थ वाले बहुत ठंडी होगी भाऊ भाई बहुत ठंडी होगी ठंडी हो अभी रिजल्ट आने वाले हैं दिसंबर वालों का फिर और फिर गर्मी होने लग जाएगी फिर गर्मी टेंशन आएगा ना फिर टेंशन ठीक है मे ट्वेंटी टू डोंट पैनिक रिविजन वीडियोज़ विल बी आउट वेरी सून हम यूट्यूब पर डालते रहेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा सो दैट आप अपडेटेड हो कि आपको अलर्ट आ जाए कि कब नया वीडियो आने वाला है ठीक है बाय गाइस टेक केयर यूर कीप स्माइलिंग एंड डू इट डू इट डू इट डू इट फॉर योर पेरेंट्स एम फॉर अवर एंग और सेवेंटी प्लस विच एवर रिजल्ट बाय गाइस टेक केयर